हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मौशमी मिनी पार्क से और उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक मॉस स्टिक कैसे करके मैं बनाई है वो आज शेयर करने वाली हूं। और इसके लिए मैंने लिया है एक मॉप स्टिक, जो मॉप हम लोग घर को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं पोछा करने के लिए, तो वो पुराना हो गया था, लेकिन इसकी जो स्टिक है वो काफ़ी मज़बूत है, तो मैंने वो लिया है। आप चाहो कोई भी स्टिक ले सकते हो, पीवीसी पाइप भी ले सकते हो, और चाहिए कुछ कोकोनट फाइबर या फिर कोकोनट क्वायर, जो भी आपका हो। और इसको निकालना बहुत ही मुश्किल है, तो मैं कुछ आसान कर देती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये जो छिलका आप देख रहे हो, इसको पहले कुछ देर आप अगर पानी में भिगो के रखो तो इसकी फाइबर आसानी से निकाल सकते हो। तो ये स्टिक मैं कुछ पोर्शन मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि वो मैं पॉट में डालने वाली हूँ, और फिर जो कोकोनट फाइबर उसको मैं लपेटूँगी और एक रस्सी से ऐसे बांध दूँगी। और ये जो रस्सी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको हम बंगालीज शुतुली दोरी कहते हैं, ये जूट से बनी होते हैं। आप चाहो कोई भी रस्सी ले सकते हो, और क्योंकि ये मेरे पास पड़ा था और ये मैं ख़रीदी भी नहीं, जो घर में हम लोग एग खरीदते हैं करेट में, अंडा खरीदते हैं करेट में, तो वो करेट इसी रस्सी से बांध के वो लोग सेल करते हैं। तो मैं वो रस्सी कलेक्ट करके रखती हूँ, और इस तरीके से इस तरह की चीज़ों में मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, ये तो बनी बनाई नर्सरी में खरीद सकते हो आप लोग, लेकिन अपने हाथों से बनाने की कुछ अलग मज़ा होते हैं। तो मैं तो हाथों से ही बनाती हूँ, और कोकोनट से मैं बहुत सारी चीज़ें बना के आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। मैं कोकोनट शेल से प्लांटर बनाई है, कोकोनट क्वायर से बास्केट बनाना सिखाई है, और अभी ये स्टिक बनाना सिखा रही हूँ। वैसे तो इसका नाम मॉस स्टिक है, लेकिन ये मैं कोकोनट फाइबर से बना रही हूँ, तो इसको कोकोनट क्वायर स्टिक भी बोल सकते हो। मॉस स्टिक मॉस से बनी होते हैं, और इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। ऐसे घुमा घुमा के रस्सी को कस के और कोकोनट फाइबर को ऐसे लपेट के बनाना होता है। और अभी एंड पोर्शन मैं ऐसे कस के मैं बांध रही हूँ, ताकि जो चिड़िया होते हैं घोंसला बनाने के लिए अक्सर ये ले जाते हैं, तो इसको ऐसे कस के बांधनी है। तो ये जो मॉप स्टिक ये काफ़ी लंबा है, तो मेरी जो स्टिक ये काफ़ी लंबा बने और काफ़ी दिनों तक इसको ये चलने वाले हैं, काफ़ी मज़बूत भी बने हैं। तो ऐसे कुछ ही टाइम लगा के ये सब आप बना सकते हो अपनी प्लांट्स के लिए। तो ये बन गई। और काफ़ी मज़बूत है और काफ़ी दिनों तक ये चलने वाला है। और ये कोकोनट फाइबर से बनाने से प्लांट्स के लिए भी अच्छा होता है, जो एरियल रूट्स होते हैं वो पकड़ लेते हैं ये फाइबर को, तो काफ़ी अच्छे से प्लांट भी ग्रो करते हैं। तो ये फाइलोडेंड्रॉन एक प्लांट मैं बहुत दिनों पहले ख़रीदी थी, और इसको प्रॉपर केयर कर नहीं पाई मैं, इसको इसके लिए मैं ये स्टिक बनाई है। तो अब इसको मैं मिट्टी में गाड़ दूँगी, और अभी शाम होने वाली है, वीडियो कुछ धुंधली सी दिख रही है आप लोगों को शायद। और अभी इसको इस प्लांट को रस्सी से मैं इस स्टिक के साथ धीरे से बांधूंगी। तो ऐसे हो गया मेरा मॉप स्टिक।
और पहले भी मैंने ये बनाई है मेरी मनी प्लांट के लिए, तो चले वो भी दिखाते हैं। तो ये है मेरा मनी प्लांट और ये है वो स्टिक। काफ़ी दिन हो गए हैं और काफ़ी अच्छे से चल रहा है, देख रहे हो मनी प्लांट काफ़ी ग्रो कर गए हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। होप करती हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों ने पसंद किए हो। अगर पसंद किए हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे नए कोई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।